हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एडवर्ब। और हम इस टॉपिक में सबसे पहले एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब क्या होते हैं कि डेफिनेशन को पहले पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसी टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी समझना जरूरी है क्योंकि टाइप्स ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड हमें काफी सारे रूल्स आगे मिलेंगे जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो लेसन है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पूरा बेस्ड है। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, इसको मैं आपको पहले पूरा डिफाइन करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस दी टाइप्स, क्लियर। तो पहले हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स जो वर्ड्स होते हैं आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम से, और हमने जो डेफिनेशन बचपन से पढ़ी है वो ये कि एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, क्लियर। एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब्स यूज नहीं करते, इनफैक्ट आप एडवर्ब्स यूज करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए। यानी कि एक एडवर्ब किसी भी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और अगर मैं कहूं तो वो पूरे जो आपका होल सेंटेंस होगा कोई भी उसको भी मॉडिफाई करने का काम करते हैं, क्लियर। अभी कैसे करेगा वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, पर ये बात समझ लीजिए क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो एक डेफिनेशन उन्होंने रट्टा मार रखी है, जो उन्हें कॉन्सेप्ट बचपन से याद किया है, वो ये कि एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। यस, ऑफकोर्स करते हैं एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सिर्फ वर्ब्स को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब्स नहीं करते। ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ये पार्शियली करेक्ट है, इसको फुल्ली करेक्ट करने के लिए आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब एज वेल एज अ होल सेंटेंस, क्लियर। अब इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन की थी बिल्कुल वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, अभी मॉडिफाइज का सिंपल मतलब हुआ डिस्क्राइब करना, अ वर्ड मैंने अभी आपसे कहा एक एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस, क्लियर। अब कैसे करेगा इसे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए चार एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक एक करके इन चारों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज टॉम सिंग्स लाउडली, यहाँ पर आप इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और इसका एक्शन क्या है स्टूडेंट, सिंग्स, ठीक है, वो गाना गा रहा है, ये वर्ब है आपका, बट वो गा कैसे रहा है, वो सिंगिंग कैसे कर रहा है, लाउडली। अब ये जो वर्ड लाउडली है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट, सिंग को, ठीक है, यानी कि जो सिंगिंग वर्ब है, जो सिंग वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है लाउडली। इसीलिए जब वर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई करेगा तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो जो लाउडली आपका वर्ड है ये है आपका एडवर्ब, क्लियर। ठीक इसी तरीके से मैंने दूसरा आपसे कहा था कि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए भी हम एडवर्ब यूज करते हैं। अब नीचे वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, टॉम इज वेरी टॉल, अगर मैं टॉम इज टॉल तो टॉल ये वर्ड है जो टॉम को डिफाइन कर रहा है, टॉम के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, टॉम की विशेषता आपको बता रहा है। इसका मतलब ये है कि टॉम जो है नाउन, उसका विशेषता बताने वाला जो ये टॉल वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव को हमने इनहेंस किया है किस वर्ड से, वेरी की मदद से। अभी ये वेरी क्या बोल रहा है आपको, वो सिर्फ टॉल नहीं, वो वेरी टॉल है, वो ज्यादा टॉल है। अब आप वेरी वर्ड जब आप देख रहे हो तो ये इस टॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, वो सिर्फ टॉल नहीं है बल्कि वो वेरी टॉल है। यानी कि यहाँ पर इस टॉल को, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, वेरी, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं, एडवर्ब्स। तो यहाँ जो वेरी वर्ड हुआ ये भी हो गया आपका एडवर्ब, क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलिए, द रेस फिनिश्ड टू क्विकली, जो रेस है वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिनिश्ड इज योर वर्ब राइट, क्विकली अगर मैं ये टू नहीं रखूं तो क्या हो जाएगा, द रेस फिनिश्ड क्विकली, यानी जल्दी से खत्म हो गया, ठीक है, पर यहाँ पे टू क्विकली लिखा है यानी बहुत जल्दी खत्म हो गया।
अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि क्विकली जो था वो इस एडवर्ब, अगर ये नहीं रखते हम टू नहीं होता तो वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, तो ऑब्वियसली ये आपका एडवर्ब है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस क्विकली एडवर्ब को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है। हमने ये नहीं कहा है कि रेस क्विकली फिनिश हो गई, हमने ये कहा है कि रेस फिनिश टू क्विकली, बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी में ये तो आपका एडवर्ब था, लेकिन ये वर्ड जो है इस क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली एडवर्ब था और ये टू क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब कोई वर्ड किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी ये टू भी क्या हो गया, एडवर्ब। दूसरा जो हमने पॉइंट लिया था कि एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। लास्ट जो आपका एग्जाम्पल है, फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे LY लगाया है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एडवर्ब है। लूसी रिकॉर्डेड टॉम स्विंग, फॉर्चुनेटली यानी कि ये उसके लिए लक की बात थी, मतलब वो बहुत फॉर्चुनेट थी कि उसने टॉम का जो जीत था उसे रिकॉर्ड किया, मतलब लकीली वो उसे रिकॉर्ड कर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इस पूरे फ्रेज को किस वर्ड ने मॉडिफाई किया है। हम बात तो यहाँ पे लूसी ने जो टॉम की विन है उसको रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे फ्रेज को ये फॉर्चुनेटली वर्ड जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और इसी वजह से ये वर्ड भी क्या हो गया आपका, एम आई क्लियर। आज से आपको जो डेफिनेशन याद रखती है स्टूडेंट, उसमें आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेगा, एक एडवर्ब एनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने का काम कर सकता है। ये तीन बात तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम कई बार ऐसी सिली एरर करके आते हैं जो जनरली आपको उम्मीद भी नहीं की जाती है, लेकिन क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये छोटी मिस्टेक जो होती है वो जनरली हम करते हैं। आई होप कि आपको जो डेफिनेशन पार्ट है वो क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो यूजुअली हम एडवर्ब्स को डिवाइड करते हैं इन फाइव टाइप्स में, तो बेसिकली अगर कहें तो फाइव टाइप्स है। कुछ बुक्स में आपको सिक्स भी मिलेगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स भी दिए जाते हैं, पर ये पांच ऐसे टाइप्स हैं जिनका यूज आपको रूल्स को समझने में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इन पांचों को अभी आपको एक्सप्लेन किया करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर क्या शो करेगा आपको, फर्स्ट जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आपको शो करता है कि कोई चीज किस तरीके से हुई है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं हम उनके पीछे ये सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं LY, यानी कि मोस्ट ऑफ दी जो एडजेक्टिव होते हैं अगर आप उनमें LY सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तो वो आपको आंसर देते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे अभी हमने लिखा था, मैंने कहा ही वॉक स्लोली, इस एग्जाम्पल में आपसे अगर ये कहा जाए कि वॉकिंग किस तरीके से हो रही है, वॉकिंग कैसे हो रही है, हाउ, तो आपका आंसर आएगा स्लोली, यानी कि ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बेसिकली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं स्टूडेंट वो आप हाउ का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं, प्लेस यानी कहाँ किस जगह पर, यानी कि उनका काम होता है वर्ब को आंसर करना। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, टाइम है इसलिए ये आपको आंसर देते हैं वन का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताते हैं कि कौन सा काम कितना फ्रीक्वेंसी कितना ऑफन हुआ, क्लियर। डिग्री, जब आप डिग्री की बात करते हैं तो हम वहाँ पे इंटेंसिटी बताते हैं कि कोई चीज कितना ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये फाइव टाइप्स बता दिए हैं, इनका क्या पर्पज होता है वो भी बता, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हमेशा याद रखिए जैसा अभी मैंने आपको कहा था, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ये आपको शो करते हैं हाउ एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, कोई एक्शन किस तरीके से परफॉर्म की गई है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वर्क स्लोली, थी किसी तरीके का एग्जांपल यहाँ आपके पास है, द टॉर्टर वर्क स्लोली, कैसे वर्क करता है स्लोली, तो कैसे यानी हाउ का आंसर मुझे इस वर्ड के थ्रू मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। माई नेबर शाउटेड एट मी, किस तरीके से शाउट किया, लाउडली,
ये आपको हाउ का आंसर दे रहा है, इसलिए ये हुआ मैन, एडवर्ब ऑफ मैन। द कुकू बर्ड सिंग्स स्वीटली, हाउ कुकू बर्ड सिंग्स स्वीटली, तो हाउ का आंसर हमें इस वर्ड से मिलता है, इसी वजह से ये एडवर्ब ऑफ मैन है। रानी एट स्लोली, किस तरीके से खाती है, स्लोली खाती, तो ये आपका वर्ड हो गया एडवर्ब ऑफ मैन। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, तो हाउ द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, हाउ का आंसर आपको इस वर्ड से मिला, इसलिए ये भी हुआ एडवर्ब ऑफ मैन। तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में सिर्फ ये याद रखना है कि जब आपका हाउ का आंसर जो वर्ड दे रहा होगा वही वर्ड होगा एडवर्ब ऑफ मैन। क्लियर? आई होप कि इन फाइव एग्जांपल्स की हेल्प से आपको एडवर्ब ऑफ मैन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो नोट अभी नीचे पीछे मेंशन किया था वो मैंने यहाँ नीचे रख दी है ताकि आप ये बात समझ सके। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं यूजुअली हम इनमें एल वाई सफिक्स लगा लेते हैं, जो आप किसी भी एडजेक्टिव में लगा सकते हैं और उन एडजेक्टिव को आप एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा लाउड लाउडली, स्वीट स्वीटली, पीस पीसफुल है तो पीसफुली हो जाएगा, स्लो है स्लोली हो जाएगा, राइट? तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, अगर आपने केयरफुल कहा है तो हम केयरफुली बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड जब आप इनमें एल वाई सफिक्स ऐड कर देते हैं तो इन एडजेक्टिव को हम क्या किसने चेंज कर देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि वो आपको आंसर करेंगे वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक्शन कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है। अब कहाँ हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से देखिए, द एंट वॉक्ड, कहाँ तक गई है, अप द हिल। अब यहाँ पर आपको ये अप वर्ड जो है वो प्लेस बता रहा है, अप द हिल। ओके, तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और रिवर फ्लोज नियर हिज हाउस, उसके घर के पास एक नदी बहती है, तो ये वर्ड आपको प्लेस शो कर रहा है। क्लियर? राहुल केम हियर, यहाँ आया था, हियर हियर देयर, ये सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। द सर्वेंट वेंट डाउनस्टेयर्स, यहाँ पे जब आपको प्लेस कौन वर्ड, तो कौन सा वर्ड बता रहा है, डाउनस्टेयर। ठीक है, निशा फेल डाउन, तो डाउन वर्ड जो हो गया वो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बेसिकली जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो आपको वेयर का आंसर देते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस ये बताने का काम होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो नियर, फार, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं हम उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस में हाँ। क्लियर? अब बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो जैसा हमने कहा था ये आपको वेन बताते हैं, वेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कब कोई एक्शन होगा, ये बताने के लिए आपको वेन की जरूरत पड़ेगी। और वेन को आंसर करने वाले जो वर्ड्स होंगे वही होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखते हैं माय सिस्टर केम होम यस्टरडे, कब आई, कल, यस्टरडे, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ही अराइव्ड लेट, लेट ये आपको टाइम बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। रिया इज एब्सेंट टुडे, आज वो एब्सेंट है, ये अभी टाइम बता रहा है आपको, इसलिए टुडे वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। द स्कूल विल क्लोज टुमारो फॉर द समर हॉलीडेज, अभी कल की बात हो रही है, वो टुमारो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। वी सेल्डम ड्रिंक कॉफी, वी प्रेफर टी, मतलब हम मुश्किल से ही कॉफी पीते हैं, नॉर्मली हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, टी। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये जो सेल्डम वर्ड है ये आपको कभी कभार यानी आपको टाइम बता रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको टाइम शो करे कि कोई एक्शन कब होगा, तो उन वर्ड्स के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम होता है कि कोई एक्शन कितना फ्रीक्वेंटली हुआ है, हाउ ऑफन और इन व्हाट फ्रीक्वेंसी द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कितनी बार या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई एक्शन होता है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, मैं कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होता हूँ। नेवर आपका फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि कभी भी नहीं। ऑलवेज हमेशा, गो टू सिस्टर्स हाउस ऑन वीकेंड, वो हमेशा वीकेंड पे अपनी बहन के घर जाता है, तो ये ऑलवेज हो गया। आई ऑफन मीट रीटा ऑन द ब्रिज, ओके, ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अवनी विजिटेड अस वंस, एक बार, तो फ्रीक्वेंसी तो है बट सिर्फ एक बार बता रहा है, इसीलिए वंस क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज गोज टू द नाइट क्लब टू डांस, ये भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है।
ऑलवेज आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, इसके अलावा हार्डली, लेटली, ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एडवर्ब ऑफ डिग्री इंटेंसिटी शो करने का कार्य है, वो एक्सटेंट या डिग्री बताते हैं आपको कि कोई एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स द एक्सटेंट और डिग्री टू विच एन एक्शन इज परफॉर्म। इंटेंसिटी कितनी है, उसका एक्सटेंशन कितना एक्सटेंट हुआ है, उसका एक्सटेंट उसकी डिग्री बताने का काम करते हैं। जैसे कि ही इज वेरी फास्ट एट वर्क, फास्ट तो ठीक है लेकिन हमने इसको इसकी एक्सटेंट इसकी डिग्री किस वर्ड से बढ़ाई है, वेरी। ही इज वेरी, अगर मैं सिर्फ कहते ही इज फास्ट एट वर्क वो एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ, लेकिन मैंने उसमें वेरी लगा के इस फास्ट को एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वॉटर इज रादर डर्टी, अभी ये रादर वर्ड आपको क्या शो कर रहा है, डर्टी तक तो ठीक था लेकिन रादर क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज फेयरली रिच, रिच तक बात ठीक थी लेकिन हमने कहा है फेयरली रिच इसीलिए ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। और ठीक इसी तरीके से बट हिज अंकल इज रादर पुअर, अभी ये भी इस पुअर की इंटेंसिटी बता रहा है इसीलिए ये वर्ड भी आपका हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री। द कप इज नियरली फुल, ऑलमोस्ट की बात हो रही है, सो नियरली इज अगेन एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। मलक इज वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल तक तो ठीक था लेकिन यहाँ पे वेरी लगाकर हमने इस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया। इसके साथ साथ जो टू वर्ड अभी हमने पीछे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ये वर्ड भी एडवर्ब ऑफ डिग्री में काउंट होता है। इनफैक्ट आप सीवियरली, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड भी डिग्री में काउंट कर। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। स्टूडेंट इसी तरीके से मिलेंगे एडवर्ब के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए रूल्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।